नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे रीजनिंग में, रैंकिंग। हर एक एग्जाम में आपका, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे आपका यूपीपी हो, कोई भी छोटा से लेकर बड़ा एग्जाम तक, आपका इस चैप्टर से एक क्वेश्चन मिनिमम हर एक एग्जाम में पूछता ही पूछता है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है, एक तो आएगा ही आएगा। अब डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस रीजनिंग के जहां ज्यादा होते हैं, वहां क्या होता है, इसका नंबर भी बढ़ जाता है क्वेश्चन के वेटेज के हिसाब से। मगर एक क्वेश्चन इतना ध्यान रखो कि एक आता ही आता है रैंकिंग से। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, दो तीन क्लास में ये चैप्टर जो है आपका खत्म हो जाएगा। दो ही तीन कॉन्सेप्ट है बेसिक इसमें, और उसी से हमेशा घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले, आप सभी को ये पता है कि जब भी ये लेक्चर दिया जा रहा है परीक्षा प्लस टीम के द्वारा, ये 10+ कोर्स के अंतर्गत दिया जा रहा है, ठीक है। इन सभी लेक्चर्स के अगर PDF और प्रैक्टिस सेट चाहते हो तो आप PDF सब्सक्रिप्शन प्लान ले लें, जो 499 रुपये का है, जो 3 मंथ तक वैलिड रहेगा, जिसे आप परीक्षा प्लस ऐप से ले सकते हो। चलिए हम शुरू करते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को पहले देखेंगे, फिर क्वेश्चन वाइज हम आपसे रूबरू होंगे। जैसे कि उस पर जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो पूरे कॉन्सेप्ट पे ही बेस रहेगा, उसी से मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। तो पहला हम देख लेते हैं आपके इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। हमारा जो चैप्टर है आज का वो है रैंकिंग, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन आता कैसे है, बनता, सिंपल सा क्वेश्चन है रैंकिंग का, जो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आपको मैं एक ऑर्डर दे रहा हूँ, आपको बताना है कि इसमें कौन सा किसका नंबरिंग है, कैसे रैंक निकाला जाता है। मैं एकदम पूरा बेसिक से आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा है तरीका। ये है देखो, इसमें जो क्वेश्चन आपका बनता है, एक तो आपका या तो वर्टिकल अरेंजमेंट से बनता है, ठीक है, वर्टिकल अरेंजमेंट, और एक आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, मतलब रो में अगर कोई पंक्ति में कोई खड़ा है तो रो वाला अरेंजमेंट हो जाएगा, जिसे हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका, इसे वर्टिकल को कॉलम अरेंजमेंट भी बोल सकते हो, ठीक। तो रो और कॉलम में अगर कोई रो खड़ा रहते हैं, जैसे सिंपल सी बात है, आप देख लो कि लाइन लगाते हो, कहीं भी टिकट लेना हो, रेलवे का टिकट लेना हो, तो लाइन एक लगाते हो, पंक्ति लगाते हो, ठीक। तो वैसे ही सेम चीज़ है। तो अगर कोई आपका रिश्तेदार कहीं टिकट लेने के लिए खड़ा है, आपको पता नहीं कहाँ से है, तो आप कहोगे हाँ यहाँ से शुरुआत से चौथे नंबर पर चले जाना। किसी अनजान को अगर उनसे मिलना हो तो क्या कहोगे कि रेलवे पटरी चले जाना, वो चौथे नंबर पर खड़े हैं, ठीक है, उनको घर भेज देना, तुम लग जाना उस नंबर पर, ठीक। तो ऐसे ही है कि आपको नंबरिंग उसमें आपको पता करना है, लेफ्ट से, राइट से, शुरुआत से, अंत से, टॉप से, बॉटम से। तो ये सब टर्मिनोलॉजी है। जैसे मैं एक यहाँ बता दे रहा हूँ, अरेंजमेंट बना रहा हूँ कि आपके रो में कुछ लोग खड़े हैं, ठीक है। मैं ये फिगर बना दे रहा हूँ, देखो। अब इसमें मैं आपसे ये लाइन में, पूरे रो में ये कुछ लोग हैं जो खड़े हैं, और भी बना दे रहा हूँ। अब मैं इसमें से इनका पूछ रहा हूँ, ये ए है, इनका नाम मान लो मैंने ए रख दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ, ये ए जो व्यक्ति हैं इस लाइन में, इस रो वाले अरेंजमेंट में, लेफ्ट साइड और राइट साइड, इसमें दो आपका यूज होता है। इसे पहले जान लो कि लेफ्ट साइड क्या होगा। लेफ्ट साइड अगर ये पूरा रो है, ठीक है, तो ये साइड आपकी लेफ्ट होगी, आपका लेफ्ट जिस साइड में पड़ेगा हैंड, और ये साइड राइट होगा, जो आपके राइट हैंड साइड में पड़ेगा, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि अगर ए जो हैं, इनका अगर पूछा जाए कि ये लाइन में अगर खड़े हैं, तो इनको हम कहें कि यहाँ से शुरुआत से चाहे अंत से कितने पोजीशन पे हैं, तो हम कहेंगे एक तरह से तो बोल सकते हैं शुरुआत से 1, 2, 3, 4 पांचवें स्थान पे हैं, और यहाँ से बोल सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब अंत से छठवें स्थान पर हैं, या ये बोल सकते हैं कि दाहिने स्थान से हैं, किधर से, लेफ्ट से, और दाहिने ओर से कितने पे हैं, ये छठे स्थान पे हैं, दाहिने एंड से 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे एंड पे हैं जो ए हैं। तो अब आपसे पूछे कि भाई इस लाइन में, इस पंक्ति में कितने लोग खड़े हैं, तो क्या करोगे, तो क्या करोगे, 6 और 5 को जोड़ दोगे, 6, 5, 11 छः पाँच ग्यारह, ये गलत हो जाएगा, 11 लोग नहीं हैं इस पंक्ति में,
क्यों गलत होगा? क्योंकि देखो, एक बार बोले लेफ्ट से, मतलब बाएं छोर से ये जो आदमी है वो पांचवें स्थान पे है, और दाहिने छोर से वही व्यक्ति छठवें स्थान पे है, तो इसे जोड़ दोगे तो टोटल व्यक्ति नहीं निकलेंगे, ठीक है? क्योंकि देखो, अगर याद इसमें जोड़ोगे तो टोटल कितने, यही लोग तो दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही लोग हैं, और आपने कह दिया 11 हैं, तो गिनने से तो 10 ही आ रहा है। वो कैसे आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है कि एक बार इसे राइट से गिने तो ये छठवें नंबर पे आया, और लेफ्ट से गिने तो पांचवें नंबर पे आया। मतलब ए जो है, ए की काउंटिंग हम दो बार कर लिए, ठीक है, दो बार उसे गिन लिए, इसलिए इसमें से क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। तो जब एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 10, तो यही हो जाएगा हमारा क्या, टोटल नंबर हो जाएगा कि उस पंक्ति में कितने टोटल लोग खड़े हैं। तो यहीं से आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा कि अगर आपको किसी पंक्ति में टोटल लोग निकालना होगा तो क्या कहोगे, कहोगे भैया किसी भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति हो, उसका लेफ्ट का से पोजीशन, ठीक है, लेफ्ट से पोजीशन क्या है, प्लस राइट से पोजीशन क्या है उस व्यक्ति का, माइनस एक। यही तो होगा टोटल, माइनस एक मतलब, क्योंकि हम उसी व्यक्ति का दोनों तरफ से जोड़ लेते हैं, तो एक उसमें से माइनस करेंगे, किसी एक तरफ का हम उसका जोड़ेंगे। तो टोटल किसी भी पंक्ति में अगर मैं निकालना होगा तो इसे लिख सकते हो, लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन माइनस एक। अब ये पंक्ति आपकी कैसी थी, हॉरिजॉन्टल थी, रो में थी, रो में लोग खड़े थे। अगर कॉलम में खड़े हों, ऐसे एक व्यक्ति यहाँ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठवाँ, सातवाँ, आठवाँ, नौवाँ, दसवाँ, 11 12 13, ठीक है, 14, ऐसे लोग खड़े हैं, ठीक, तो ये आपके क्या है, कॉलम में है। जब कॉलम में है, ठीक, अरेंज करना है आपको, तो अब यहां से क्या होगा, ये टॉप होगा, ये बॉटम होगा, शुरुआती और एंड तो इसमें दोनों में होता है, चाहे रो अरेंजमेंट हो चाहे वर्टिकल अरेंजमेंट हो, ठीक है। तो अब यहां से अब देखोगे तो क्या करोगे, ये टॉप वाला हो गया, ये बॉटम वाला हो गया, और मैं इसी में से किसी को ले लूं, मान लो इसको, इस आदमी को ले लेता हूं, इसका नाम बी रख देता हूं। अब कहूं भैया ये बी जो है ऊपर से किस स्थान पे है, तो बी जो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 सातवें स्थान से है ना, टॉप से, ऊपर से, और नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवें स्थान पे है, ठीक है, नीचे से ये आठवें स्थान पर है, तो कितने होंगे इसमें टोटल, तो 7 + 8 - 1 कर दो। क्यों करोगे माइनस एक, क्योंकि इसी भी आदमी का हम दो बार काउंट कर रहे हैं, एक बार 7 कर रहे हैं, एक बार 8 कर रहे हैं, एक बार नीचे से गिन रहे हैं तभी भी गिन रहे हैं, एक बार ऊपर से गिन रहे हैं तभी भी उसी को गिन रहे हैं, ठीक। तो 8 7 15 होता है, तो माइनस एक कर दोगे उसमें से, तो 14 आ जाएगा, इसमें टोटल 14 लोग होंगे, देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 लोग हैं। तो इससे भी क्या आया कि अगर हमें टोटल निकालना है तो किसी भी व्यक्ति का टॉप से पोजीशन, ठीक है, टॉप से पोजीशन प्लस बॉटम से पोजीशन, बॉटम से पोजीशन माइनस एक। यही तो हुआ, ये फॉर्मूला बना कि अगर आपको टोटल निकालना है तो टोटल क्या होगा, टॉप से पोजीशन प्लस बॉटम से पोजीशन माइनस एक, यही आपका टोटल दे देगा कि इस कॉलम में कितने लोग हैं आपके। आगे बढ़ जाते, एक एक करके क्लियर करते चले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग इसका आंसर भी कमेंट करना, जिसका नहीं आएगा मैं बताऊंगा इसका आंसर। बोला एक पंक्ति में राम बाएं से स्थान से 10वें पे है तथा दाएं से 25वें पे है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, पहला टाइप क्वेश्चन है आपका। एक पंक्ति है कोई भी हो, चाहे वर्टिकल हो चाहे आपका हॉरिजॉन्टल हो, यहां बोला क्या, दाएं बाएं बोला, इसका मतलब कैसी पंक्ति है आपकी, ऐसी वाली है, हॉरिजॉन्टल पंक्ति है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि कोई व्यक्ति जो है राम जो है वो बाएं स्थान से 10वें स्थान 10वें पे है तथा दाएं से किसी एक, ये व्यक्ति राम है, इसी की पोजीशन लेफ्ट से, लेफ्ट हैंड ये होता है, कितने पे है, 10वें स्थान पे है, और इसी राम की जो है पोजीशन दाएं एंड से, मतलब ये राइट एंड है, ठीक है, दाहिना साइड है, यहां से इसी व्यक्ति की पोजीशन कितनी है, इस व्यक्ति की पोजीशन कितनी है, 25वीं है, ठीक है। अब पूछ रहा है आपका टोटल कितना है, तो आपको सिंपल सा याद है कि टोटल हमारा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन माइनस एक, मैंने यही बताया अभी आपको,
ठीक है, तो क्या करोगे, लेफ्ट से कितनी है भैया, लेफ्ट से 10 है, राइट से 25 है, माइनस कर दो एक। एक क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि इसी राम की पोजीशन दोनों एंड से हम दो बार काउंट करते हैं, तो हमें एक बार काउंट करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा वाला माइनस कर देते हैं। तो अब देख लो यहाँ से 25 10 35 हो जाएगा, और 35 माइनस एक कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। तो जिसका जिसका बी आया वो करेक्ट है आंसर। अगला क्वेश्चन आपके जस्ट सामने है, सभी लोग उसका आंसर दीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर कमेंट करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है दूसरे टाइप का। अब इसमें बोला एक पंक्ति में यदि 60 विद्यार्थी हैं, राम बाएं से स्थान 35 पर है, राम बाएं से 35वें स्थान पर है, तो राम का दाएं से स्थान ज्ञात करिए। ठीक है, अब यहां मैंने बताया ना कि अगर आपको कोई भी दो वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा वैल्यू आपको निकालना होगा, तो आप क्या करोगे, इसमें क्या दे दिया, टोटल दे दिया है आपको, और बाएं से पोजीशन दे दिया, मतलब लेफ्ट से पोजीशन दे दिया है 35 है, आपको निकालना क्या है, राइट से उसी व्यक्ति की पोजीशन निकालना है। तो कुछ नहीं, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। ठीक है, अब आपको टोटल पता है कितना, 60 है, लेफ्ट से पोजीशन कितनी है, 35 है, राइट से हमें निकालना है, तो R लिख देंगे, माइनस 1 यहां कर देंगे, तो ये 34 माइनस 1 करोगे तो 35 माइनस 1 करोगे 34, प्लस राइट यहां 60 कर दोगे तो 60 में से 34 को माइनस कर दोगे, यहां हो जाएगा आपका राइट। तो 60 में से 34 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा बताओ, 10 में से 4 जाएगा 6, यहां 5 में से 3 जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 26। तो राइट से इसकी पोजीशन हो जाएगी 26। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपके पास ये हथियार है ना, टोटल प्लस लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपका जो है जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपको तीन वेरिएबल में से दो वेरिएबल गिवेन रहेगा, बाकी तीसरा आपको निकालना होगा। लेफ्ट राइट दिया है तो टोटल निकालना होगा, अगर आपसे टोटल और लेफ्ट या राइट में से कोई दिया है तो वो देखे, उसके बाद से अगला वाला आपसे पूछेगा क्वेश्चन में। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करो, जिसका ना है मैं तो बताऊंगा ही, कोई उसमें परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, आप लोगों को इसमें भी सेम क्वेश्चन है, 60 बोल रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं भैया, टोटल आपको गिवेन है 60 विद्यार्थी हैं, राम दाएं से 55 स्थान पर है और बाएं से पूछ रहा है, पिछले वाले क्वेश्चन में कहां से पूछा था, राइट से पूछा था, अब लेफ्ट से पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसमें टोटल आपको पता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक होता है, टोटल आपके सामने 60 है, लेफ्ट से पोजीशन कितना दिया है, 55 दिया है। ठीक है, नहीं लेफ्ट से नहीं दिया, ये किधर से दिया, राइट से 55 दिया, देखो दाएं स्थान से, दाएं मतलब राइट से आपको पोजीशन कितना दिया है, 55 दिया है, 55 माइनस एक, तो यहां हो जाएगा लेफ्ट प्लस 54 इक्वल टू 60। ठीक है, अब लेफ्ट से पूछा है आपसे, बाएं से पूछा है, लेफ्ट आपसे पूछा है कि लेफ्ट से उसकी पोजीशन क्या होगी, तो 60 में से 54 माइनस कर दो तो कितना बचेगा आपका, तो 6 इसमें ऐड करोगे तो लेफ्ट इक्वल टू 6 आ जाएगा, यही तो बचेगा। अब 6 ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो ये सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एक जो है आपका टाइप में लेके चल रहा हूं कि इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कि आपको कभी टोटल दिया हो लेफ्ट दिया हो तो राइट पूछे, टोटल दिया हो राइट दिया हो तो लेफ्ट पूछे, लेफ्ट राइट दिया हो तो टोटल पूछ सकता है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर कमेंट करो जल्दी से। बोला एक पंक्ति में कुल 111 विद्यार्थी हैं, ठीक है, टोटल दे दिया आपसे, राम बाएं स्थान से 56 पे है, राम दाएं स्थान से ज्ञात करिए, राम का दाएं स्थान क्या होगा, दाएं से क्या स्थान होगा, राम का दाएं से स्थान ज्ञात करिए, आपसे क्वेश्चन पूछा, जिसका आंसर आ जाए कमेंट कर दो, जिसका नहीं आया देख लो क्या होगा इसका आंसर। सिंपल से भाई वही सेम क्वेश्चन, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक। देखो अब ये नहीं कि किसी दूसरे दूसरे की जो है आपका क्वेश्चन दिया हो, किसी मान लो यहाँ राम है और यहाँ श्याम है, इसका बोले लेफ्ट से ये 10 नंबर पे है और ये श्याम बोले कि ये 15 नंबर पे है, तो इसमें भी वही ना यूज कर देना कॉन्सेप्ट कि 10 प्लस 15 माइनस एक, यहां गलत हो जाओगे, तुरंत गलत हो जाओगे, नंबर कट जाएगा आपका। ठीक, यहां आपसे क्योंकि यहां दो लोग हैं, राम है और श्याम है, और दोनों की जो है आपका जो लेफ्ट और राइट से पोजीशन दिया हुआ है, किसी एक बंदे की मैं बोलूं अगर राम है इसका लेफ्ट से दे दे, इसी का राइट से दे दे पोजीशन, तब आप कर सकते हो। ठीक है, तब ये फॉर्मूला लगाओगे टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 लगाओगे, मगर अगर क्वेश्चन में आपको
राम और श्याम दो लोग दे दिए हैं और किसी की लेफ्ट से पोजीशन दिया है और किसी की राइट से पोजीशन दिया है, तब आपको अगर पूछे कि टोटल उस पंक्ति में कितने लोग होंगे तो आप आंसर नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसे लिख सकते हो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर होगा, ठीक। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या है हमारा, 111 विद्यार्थी है टोटल दिया है, लेफ्ट से राम बाएं से कितने नंबर पे है, 56 पे है, राइट से पूछा है तो -1 है, 56 -1 करोगे तो 55 होगा, यहाँ पे राइट 111 में से 55 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, फिर से 56 आ जाएगा, तो राइट साइड से भी कितना होगा इसका, 56 होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, राइट साइड से भी 56 आएगा और लेफ्ट से भी 56। तो ये ना सोचना अरे 56 क्यों आ गया, 56 तो यहाँ दिया हुआ था, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, जब आपने ये कॉन्सेप्ट लगाया है, फॉर्मूला लगाया है, अगर आपने वैल्यू सही पुट किया है, माइनस सही किया है, माइनस करने में गलती नहीं किया है, तो आपका आंसर करेक्ट आएगा, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करो जल्दी, जिसका ना है भाई निराश ना होना, मैं हूँ यहीं पर, आंसर आ जाएगा सभी का। चलो बोलना, एक पंक्ति में 70 विद्यार्थी हैं, राम का बाएं से स्थान 30 है, ठीक है, शाम का दाएं से, अब मैंने बताया ना कि अब दो लोग आ गए यहाँ पे, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, दो लोग आ गए, राम भी आ गया, अपने भाई श्याम को भी लेते हैं, कहा चलो तुम क्या बैठ कर करोगे, ठीक है, राम भी आ गया और श्याम भी आ गया, दाएं से स्थान कौन सा है, 20वां है। राम और श्याम के बीच उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करिए, अब यहाँ बोल दिया कि राम और श्याम के बीच जो लोग बैठेंगे उनकी संख्या बताओ, मतलब ये देखो एक रो है मैंने बना दिया, बोल रहा है कि 70 लोग हैं इसमें, इसकी कैपेसिटी जो है यहाँ फिल होने के इस पूरे रो में 70 लोगों की है। बोल रहा राम जो हैं वो भैया यहाँ से लेफ्ट साइड से, ठीक है, बाएं छोर से किस स्थान पे हैं, वो लेफ्ट छोर से आपके 30वें स्थान पे हैं, और श्याम जो हैं यहाँ रहा श्याम, ये दाएँ से कितने पे हैं, 20 पे हैं, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग वाला केस नहीं बनेगा, इसी में एक ओवरलैपिंग का केस बनता है मैं बताऊंगा, क्योंकि देखो ये 70 है ना, तो यहाँ टोटल ही आपका जो टोटल है वो लेफ्ट प्लस राइट, मतलब इन दोनों जो दो लोग हैं राम और श्याम, इनके लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन से ज़्यादा है, तो ओवरलैपिंग का केस नहीं बनेगा। अगर ये कम होता तब ओवरलैपिंग का केस बनता, और आपसे बीच से पूछ रहा है कि बीच में कितने लोग होंगे वो बताइए, ठीक है, इनके बीच में लोगों की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि मैंने तब बताया था कि अगर आपसे ये पूछे कि राम यहाँ से 30 पे है और श्याम इधर से 20 पे है, और आपसे पूछे बताइए पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, तो आप कहोगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मैं इसका आंसर नहीं पता कर सकता। मगर यहाँ आपसे क्या बोला कि ये 30 से हैं और ये इधर से 20 पे हैं, और बीच वाला अगर हमें पता चल जाए तो हम टोटल बता सकते हैं। तो हम इसमें क्वेश्चन में लगाएंगे क्या कि देखो टोटल बराबर ये लेफ्ट से प्लस ये आपका राइट से प्लस बीच वाला मान लें हम एक्स, कि बीच में इनके बीच में एक्स लोग बैठे हैं, ठीक है, ये एक्स लोग, तो ये टोटल आ जाएगा, क्योंकि हमें ये वाला यहाँ से पता चल गया कि 30 लोग है, इधर से पता चल गया 20 लोग है, और ये एक्स, ठीक, तो यही हमारा टोटल दे देगा इस पूरे, इसमें इतना पता है 70 लोग बैठे हैं, तो टोटल 70 लोग बैठे हैं, यहाँ 70 हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ 70 हो गया। अब लेफ्ट से कितना है आपका, 30 है, राइट से कितना है, 20 है, और यहाँ से x की वैल्यू आपको पता करनी है, तो ये तो आराम से पता हो जाएगा, 70 है, यहाँ से 50 माइनस कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 20 आ जाएगी x की वैल्यू 20 आ जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसके बीच में राम और श्याम के बीच में कितने लोग बैठे हैं, राम और श्याम के बीच में 20 लोग बैठे हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो जिसका आंसर ए आया है, ठीक है, वो सही हो, ठीक, जिसका नहीं आया वो देख लो कि ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपके दो व्यक्ति दिए हैं राम और श्याम, और दोनों के बीच में आपसे अगर पूछे और टोटल दिया रहे तब आप निकाल सकते हो, अगर टोटल नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालोगे, ठीक। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैंने बताया अभी प्रीवियस में कि आपको अगर कुछ भी ना दिया रहे और दो व्यक्ति हों उनकी पोजिशन दिया रहे लेफ्ट से और राइट से और टोटल पूछ ले तो उसका आंसर नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। मगर यहाँ पर क्या है, आपका टोटल दिया है, एक की जो है राइट से पोजीशन दी है, एक की लेफ्ट से पोजीशन दी है, और दोनों के बीच का पूछ रहा है, तो आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि इस लाइन में टोटल 70 लोग हैं, तो यहाँ से 30, यहाँ से 20 प्लस एक्स कर दिए, टोटल के बराबर रख दिए और आप एक्स की वैल्यू निकाल लिए। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
आप लोग सभी लोग इसका आंसर कमेंट करो क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। एक पंक्ति में 15 विद्यार्थी हैं, राम का बाएं से 12वां स्थान है, श्याम का दाएं से 8वां स्थान है, तो राम और श्याम के बीच उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया कि देखो अब उस पर क्या था कि यहाँ पे 15 था, टोटल एक पंक्ति में 15 विद्यार्थी, मतलब इसकी कैपेसिटी जो है इस लाइन की वो 15 लोग इसमें अरेंज हो सकते हैं। अब इसमें से बोला कि राम जो है भाई साहब, राम ये लेफ्ट से किस नंबर पे हैं, 12 पे हैं, और जो श्याम है ये राइट से आपके 8 नंबर पे हैं। ठीक है, अब यहाँ क्यों बोल रहे हो कि ये यहाँ पे सर इनके बीच में ऐसा डायग्राम ये नहीं बनेगा, ओवरलैपिंग वाला डायग्राम बनेगा। क्यों बनेगा ओवरलैपिंग, कहाँ ओवरलैपिंग वाला बनेगा कहाँ नहीं बनेगा, वो आपको ध्यान रखना है। कैसे, देखो क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट से और राइट से पोजीशन को प्लस करोगे 12 और 8 20, तो टोटल आपका जो है वो टोटल होगा लेस देन लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट से टोटल आपका क्या होगा, कम होगा। जब ऐसी स्थिति होगी तब ओवरलैपिंग की कंडीशन बनेगी। ठीक, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता 12 यहाँ 8 यहाँ, तो वैसे 20 हो गया और टोटल ये बता रहा 15 ही है इसके बीच में, यहां से लेके यहां तक 15 लोग हैं और अभी यहां 12 ये 8 ये 20, तो यहीं पूरा हो गया। तो ये कैसे हो सकता है कि ये 15 बोला और यहां ही 20 पूरा हो गया, इसीलिए तब ओवरलैपिंग की कंडीशन बनेगी। ओवरलैपिंग की कंडीशन कैसी होगी ये देख लो, तो ये ध्यान रखना जब भी ऐसा हो कि लेफ्ट प्लस राइट का जो पोजिशन का सम हो, जैसे यहां है 12 प्लस 8 20, वो टोटल से कम हो मतलब ज्यादा हो, जैसे टोटल कितना है 15 और लेफ्ट प्लस राइट 12 प्लस 8 ये 20 है, तो ये ज्यादा है किससे, 15 से। ठीक, इसलिए ओवरलैपिंग वाला कंडीशन बनेगा। इस केस में क्या बनेगा, ओवरलैपिंग की कंडीशन बनेगी, ओवरलैपिंग की कंडीशन यहां पे आपकी बनेगी। अब उसे देख लेते हैं ओवरलैपिंग वाली कंडीशन को हम। देखिए ये मैं बनाया, इसमें बोला जा रहा है टोटल 15 लोग हैं। ठीक है, अब इसे पहले बेसिक से समझ लेते हैं कि इसे बेसिक से एकदम बेसिक से कैसे करेंगे। टोटल 15 लोग हैं, आप 15 बना डालो इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये आपका 15। ठीक है, राम कितने पे है, राम लेफ्ट से 12 स्थान पे है, राम जो है लेफ्ट से 12 पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ राम की पोजीशन है, ये लेफ्ट से 12 पे है, और जो श्याम है वो राइट से 8वें नंबर पे है, जो श्याम है राइट से 8वें नंबर पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ कौन है, श्याम है। ठीक है, तो अब ये मेन हो गया क्योंकि उसमें संख्या कम थी, तो मैंने तुमने बना लिया पूरा 15 के 15 लोगों को बना लिया। अगर नहीं बोला 50 होता तो क्या 50ों को बनाते, नहीं बनाते ना, कुछ तो शॉर्ट ट्रिक होगा, वो होगा वो अभी मैं बताऊंगा, मगर ये छोटा सा है इसलिए मैंने बता दिया, समझा दिया कि देखो ये ओवरलैपिंग क्यों बन रहा है, क्यों मैंने कहा कि ओवरलैपिंग की कंडीशन बनेगी, और ये कंडीशन जब भी आए आपका कि टोटल लेस देन हो लेफ्ट प्लस राइट से, तभी ओवरलैपिंग की कंडीशन बनेगी। तो देख लेते हैं अभी यहाँ इसके बीच में कितने लोग आए, 3 लोग आए, तो हमारा आंसर निकल गया कि 3 लोग होंगे। अब यही अगर संख्या ज़्यादा होती, इस रो में ज़्यादा लोग बैठे होते और ओवरलैपिंग की कंडीशन बनती, तो आप डायरेक्ट कैसे आंसर निकालते, तो उसके लिए याद रखो, उसके लिए क्या है आपका कि टोटल, ठीक है, अगर टोटल आपका लेस देन है लेफ्ट प्लस राइट से, तो आपको क्या करना है, ये कंडीशन जब होगी तो लेफ्ट प्लस राइट का जो सम होगा उससे माइनस कर देना है किसको, टोटल प्लस 2 को माइनस कर देना है। ये याद रखो फॉर्मूला, जब भी ऐसा हो कि आपका कंडीशन ऐसी बन रही हो कि टोटल लेस देन लेफ्ट प्लस राइट है, तो आप क्या करना, लेफ्ट प्लस राइट के सम से माइनस कर देना टोटल प्लस 2। तो लेफ्ट प्लस राइट का सम क्या है, 12 प्लस 8, ठीक, और टोटल कितना है, 15 प्लस 2, यही तो है, तो 12 प्लस 8 20 हो जाएगा, और 20 और 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 17, तो 20 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 3, तो यही तो 3 आया था यहाँ पे। देखो मैंने बेसिक एकदम बेसिक से बताया तो आपको 3 आया, और मैंने इस फॉर्मूले से बताया तभी भी आपका आंसर कितना आया, 3 आया, तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा ये देख लो, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये मत करना इसमें क्या करना, 12 प्लस 8 जोड़ देना और इसमें इक्वल टू 15 के बराबर रख देना, यहाँ एक्स रख के उसके बाद से निकालना,
तो यहाँ तो 20 हो जाएगा, माइनस में आपका आंसर आ जाएगा, तो ऐसे ही गलत आएगा। तो ये वाला मेथड यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ यहाँ पे कंडीशन ये होगी। तो आपको मैंने बता दिया इस कंडीशन में आपको क्या लगाना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस टू, ठीक है, ये आपको लगाना है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर कमेंट करिए। बोला एक पंक्ति में ए बाएं स्थान से दसवां है तथा बी जो है दाएं से 25वां है, यदि इन दोनों के बीच में पांच व्यक्ति बैठे हैं, ये भी दे दिया इसमें, अभी तक बीच वाला पूछ रहा था अब बता दिया क्योंकि इसमें से टोटल गायब कर दिया है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो पंक्ति में उपस्थित अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करिए। जब भी आपसे पूछे ना मैक्सिमम, कि किसी भी पंक्ति में मैक्सिमम पूछे कि इस पंक्ति में मैक्सिमम लोग कितने बैठ सकते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट कितने बैठ सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कौन सा कंडीशन होगा मैक्सिमम के लिए, हमेशा ये कंडीशन होगा कि टोटल जो होगा वो ग्रेटर देन होगा लेफ्ट प्लस राइट से, ठीक है, इनके सम से, तभी अधिकतम वाला होगा। तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, कि आपको ये लेना है एकदम सिंपल सा, कि बोला ए जो है आपका बाएं से मतलब लेफ्ट से 10 स्थान पे है, यहाँ से लेफ्ट से आपका 10वें स्थान पे है, और बी जो है आपका किधर से, दाएं से, इस साइड से जो है बी जो है आपका 25वें स्थान पे है, और इनके बीच में बोल रहा है पांच लोग हैं, तो ये हम ये वाला कंडीशन लेते हैं, तभी तो मैक्सिमम होगा, जितना हम मैक्सिमम कर लें यही मैक्सिमम हो सकता है, कि इनके बीच में पांच लोग बैठा दें, ये यहाँ से 25, यहाँ से 10, ठीक, तो ये इसको क्या करें हम प्लस कर लें। तो मैक्सिमम वाले क्लेस में आप क्या करना, जब भी आपसे मैक्सिमम पूछे तो टोटल निकालने के लिए क्या करना है आपको, लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन, ठीक है, प्लस मिडिल वाला, ठीक है, मिडिल में कितना दिया है, तो टोटल आपको निकालना है। तो टोटल में लेफ्ट से पोजीशन कितना है 10, और राइट से पोजीशन कितना है 25, और मिडिल में कितने लोग हैं, पांच लोग हैं, तो आपको टोटल निकालना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा टोटल 40। तो ये मिडिल वाले बीच को मतलब जोड़ना होता है, वही मैंने बताया, ये प्लस ये प्लस ये, तभी मैक्सिमम आपका आएगा। तो कितना आया, 40 आया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपका मैक्सिमम वाला आया तो ये वाला केस आपका फॉलो करता है, तो सबको लेफ्ट प्लस बीच वाला प्लस आपका ये राइट साइड वाला, इन सबको जोड़ लो, आपका मैक्सिमम निकल आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 8 नंबर क्वेश्चन, चलिए ये वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसका आंसर कमेंट करिए। एक पंक्ति में ए का बाएं से 12वां स्थान है, बी का दाएं से 26वां स्थान है, यदि इन दोनों के बीच में पांच व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में उपस्थित न्यूनतम व्यक्तियों की, यहाँ देखो वहां मैक्सिमम पूछा था, यहाँ आपसे मिनिमम पूछा है कि मिनिमम कितने लोग बैठेंगे। ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों का पोजिशन दिया है लेफ्ट और राइट से, बीच में बोल दिया कि पांच लोग बैठे हैं ए और बी के, और आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम कितने लोग बैठेंगे, तो आपको क्या करना है। सिंपल सी बात है, देखो मिनिमम जब भी कंडीशन आपसे पूछे तो समझ लो ओवरलैपिंग का केस होगा मिनिमम वाले में, और मिनिमम वाले में ओवरलैपिंग का केस होगा तो वो कैसे पता चलेगा ओवरलैपिंग का होगा, देखो तभी तो मिनिमम आएगा। ओवरलैपिंग मतलब इन दोनों के बीच में ओवरलैप हो जाएगा, टोटल आपको दिया नहीं है, तो ओवरलैपिंग का मतलब मिनिमम के केस में ओवरलैपिंग वाला होगा कि ये इधर से 26 होंगे और ये इधर से आपके कितने होंगे, 12 होंगे। तो इसीलिए हम सिंपल सा एक बना लेते हैं एकदम बेसिक सा, कि देखो अभी आपसे बोला कितना, कि कितने मिनिमम लोग हो सकते हैं, तो अभी इन दोनों में मिनिमम क्या दिखाई दे रहा, 12 और 26, अगर मैं 12 लूंगा तब तो मैं बना ही नहीं पाऊंगा ये लाइन, क्योंकि उसमें 26 कैसे अरेंज करूंगा, 26 बोलेगा अगर मैं, अगर 12 लोग लूं मिनिमम का तो यहां से बोले कि 26 हमें जाना है, तो 26 तो मैं बना ही नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं मिनिमम में 26 लेता हूँ, उसके बाद से अरेंज करके आपको दिखाता हूँ 26 में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26, 26 लोगों को मैंने ले लिया। अब बोला ए बाएं से 12वां है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ए जो है ये 12 स्थान पे है, किधर से, लेफ्ट साइड से, ठीक है, और बी जो है 26 है, किधर से, राइट साइड से, तो 26 तो टोटल है, तो इसका मतलब बी यहीं आ जाएगा राइट साइड से, ठीक है, राइट साइड से ये बी की पोजीशन, ये 26 है, ये 26 नंबर, क्योंकि इसमें रो में पूरे के पूरे आपके कितने लोग हैं, 26 लोग हैं। अब बोल रहा है इनके बीच में पांच व्यक्ति बैठे हैं, बोल रहा है इनके बीच में पांच व्यक्ति बैठे हैं, तो क्या देखें पांच व्यक्ति बैठे हैं इसके बीच में, 1, 2, 3, 4,
पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। तो यहाँ बैठे हैं भैया कितने लोग हैं? दस। और क्वेश्चन में बोल रहा है पांच व्यक्ति बैठे हैं, बैठे दस हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें पांच तो ही बैठाना है, क्वेश्चन में बोला जैसा है वैसे ही करना है। तो हमें पांच बैठाना है, तो हम इस ए को पांच आगे शिफ्ट करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच। यहाँ पे हम ए को ला दें, यहाँ से हटा के शिफ्ट कर दें यहाँ पे। अब देख लो इनके बीच में कितने लोग बैठेंगे, दो, दो चार, एक पांच। अब क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, ए यहाँ से हट के यहाँ आ गया और क्वेश्चन को अब सेटिस्फाई करेगा कि इनके बीच में पांच लोग हो गए, मगर अभी भी ए का जो पोजीशन है वो गड़बड़ हो गया। अभी यहाँ ए जो है लेफ्ट से 12 पे था, मगर अब ए जो है लेफ्ट से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे हो गया। तो अब इसे 12 करना है लेफ्ट से, तो क्या करेंगे, यही पांच यहाँ आगे हम और बढ़ा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। पांच यहाँ आगे बढ़ा दिए बी से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो अब आ गया ना 12 पे ए, तो सब कुछ सेटिस्फाई कर गया कि ए जो है लेफ्ट से आपका 12 पे है, बी जो है आपका राइट एंड से किस पे है, 26 पे है, और इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में पांच लोग हैं, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2, 2, 4, 1, 5 लोग हैं। तो आपका टोटल कितने लोग होंगे इसमें, तो यहाँ से तो निकाल सकते हो ना, मैंने टोटल कितना बनाया था, 26 तो बनाया ही था, मगर मुझे पांच और एक्स्ट्रा बनाना पड़ा, एक पांच और एक्स्ट्रा बनाना पड़ा ना, 1, 2, 3, 4, 5, तो 26 और 5 कितना हो जाएगा टोटल में, 31 हो जाएगा। तो ये मिनिमम के लोग इतने होने चाहिए, क्या होने चाहिए, 26 और 5, 31 होने चाहिए मिनिमम के लोग, ठीक। तो ये यहाँ से आंसर निकाल दिए, छोटा डाटा था तो तुमने बना के मैंने आपको बता दिया। अगर बड़ा डाटा हो तो उसके लिए कैसे मिनिमम निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए देखो मिनिमम निकालने के लिए क्या करना है आपको, कि जो आपका लेफ्ट प्लस राइट होगा पोजीशन, लेफ्ट प्लस राइट के पोजीशन से माइनस करेंगे किसको, आपको लेफ्ट प्लस राइट का जो पोजीशन होगा, लेफ्ट प्लस राइट मतलब आपका कितना आया, 26 प्लस 12, ठीक। और मिड वाला टर्म कितना है, लेफ्ट प्लस राइट, उसके बाद से आपका ये मिड वाला टर्म्स, यहाँ मिड वाला टर्म होता है, यहाँ टोटल तो होता नहीं, टोटल तो आपका दिया नहीं है, मिड वाला टर्म्स, तो मिड वाला टर्म आपका 5 है और ये होगा -2, ठीक है। तो लेफ्ट प्लस राइट क्या है, 26 और 12 जोड़ोगे तो 6, 2, 8, 2, 1, 3, ठीक, 38 माइनस 7। तो 38 माइनस 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, 31 ही तो होगा, ये डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड क्या है, जब भी आपसे मिनिमम पूछे फाइंड करना है, और मिनिमम जब आपसे पूछे तो कुछ नहीं करना, लेफ्ट प्लस राइट का पोजीशन का सम माइनस मिड वाला, मिड में कितने लोग हैं, -2, ये आप याद रखो। इससे क्या होगा, आपके रो में मिनिमम नंबर ऑफ जो है पीपल आएंगे, कि कितने लोग होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इसी से आपका आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आसानी से हो गया कि 26 प्लस 12 माइनस 5 माइनस 2 किए तो यहाँ 31 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला है इससे रिलेटेड, जब भी आपसे मिनिमम पूछे, ठीक। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन होगा, मगर वो क्वेश्चन आपके इस फॉर्मूले पर नहीं लगेगा। वो क्यों नहीं लगेगा, वही देखते हैं उसका जवाब, कि वह क्वेश्चन क्यों नहीं यहाँ लगेगा। बोला है सिंपल सा क्वेश्चन है, 9 नंबर, एक पंक्ति में एक बाएं से 12वें स्थान पे है, ठीक है, ये ए जो है लेफ्ट से 12 स्थान पे है, और जो बी है, ठीक है, बी जो है दाएं से 26 स्थान पे है, सेम है। यदि इन दोनों के बीच में 15 लोग बैठाया जाए, ठीक है, तो न्यूनतम कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं, अगर आपसे मिनिमम पूछे। और ये क्यों उस फॉर्मूले पे नहीं होगा ये जान लो, इसलिए नहीं होगा कि यहाँ बोल रहा है कि देखो मैं इसे ड्रा करके दिखा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। टोटल आपसे मिनिमम आपसे बताया है कि कितने लोग होंगे, मिनिमम इनमें से क्या मान सकते हैं, हम 26 ही मान सकते हैं, तभी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हम 26 माने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक।
तो ये बी की पोजीशन होगी और ए की किधर होगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, यहाँ ए होगा लेफ्ट से, ठीक है। अब इनके बीच में बोल रहा है 15 लोग बैठेंगे, मगर हम देखे थे कि यहाँ बीच में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, तो 10 से ज़्यादा तो बैठ ही नहीं सकते। अगर मैं 15 करूँ तो ये क्या होगा, ए शिफ्ट होगा, एक दो तीन चार पाँच यहाँ पर शिफ्ट होगा ए, तभी तो इनके बीच में 15 लोग आएंगे। तब इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक जब ए यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो 15 लोग आएंगे, और तब ए की जो पोजीशन होगी 12 से शिफ्ट होकर कितनी हो जाएगी, 13 14 15 16 17 हो जाएगी, ठीक है। मगर क्वेश्चन में क्या आपसे दिया है कि ए जो है बाएं से बारहवें स्थान पे है, तो जब क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, जैसे इनके बीच में हम 15 बैठाने की कोशिश करेंगे तो ए को शिफ्ट होना पड़ेगा इस साइड, तो वो कितना पे पहुंच जाएगा, 17 नंबर पे पहुंच जाएगा। तब ए की जो पोजीशन है लेफ्ट से 17 पे हो जाएगी, और क्वेश्चन में 15 ही दिया है तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते, ठीक। तो हम ऐसे क्या ड्रॉ करके देखेंगे क्या हर क्वेश्चन को, नहीं ना करेंगे। तो उसके लिए कुछ तो होगा तरीका कि हम कैसे पहचाने कि किसमें क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से उस लगा सकते हैं, और किस क्वेश्चन को हम कैसे जाने कि वो क्वेश्चन ये लगेगा ही नहीं। तो उसे जानने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका ये पोजीशन दिया है क्वेश्चन में, दोनों एक का दिया है 12, एक दिया है 26, तो इसमें से जो मिनिमम आपका है, मिनिमम कौन सा है 12, ठीक है। 12 से अगर दो कम हो, 12 से अगर दो कम हो मतलब 10, 10 तक के लोग उसके बीच में बैठ सकते हैं, ठीक है। ये मिडिल वाला जो है ये क्या कितना होना चाहिए, ये जो यहाँ पे आपका पोजीशन दिया है उनमें से सबसे जो छोटा होगा उससे दो कम होना चाहिए। तो यहाँ है क्या, नहीं है ना, यहाँ तो 15 है, अब होने कितना चाहिए 10। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या कहेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन करेंगे, कि हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सेटिस्फाई करेगा वो कंडीशन उस मिनिमम के लिए वो ये होता है कि आपका जो इनके बीच जो आपके पोजीशन लिए हैं लेफ्ट प्लस राइट, उनमें से जो मिनिमम होगा उससे दो कम लोग होने चाहिए, तभी हमारा जो है ये वाला आपका फॉर्मूला काम करेगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल का टर्म माइनस टू। तो मिडिल में 15 लोग दिए हैं जो 10 से ज़्यादा है, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसलिए कन्फ्यूज ना होना जब भी आपके सामने आए कि आप न्यूनतम निकालो, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहे नंबर ऑफ पर्सन निकालो, तो आप इस फॉर्मूले पर ट्राई करना, लेकिन ट्राई करने से पहले एक बार देख लेना कि जो ये मिडिल टर्म है वो आपका पोजीशन जो आपकी दी है उसके मिनिमम से दो कम है या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें शिफ्ट होता है पोजीशन, ठीक है, जो बंदे होते हैं उनका पोजीशन शिफ्ट होता है। देख लेते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर, ठीक। एक पंक्ति में कुछ विद्यार्थी हैं, राम का बाएं से बना लेते हैं, एक पंक्ति बना ली है हमने, ये पूरी बाएं से राम बोल रहा है, लेफ्ट हैंड से इसकी कितनी पोजीशन है 12, और यहाँ श्याम है, इसकी पोजीशन यहाँ दिया है कि श्याम किधर है, राम श्याम के बाएं ओर है, राम जो है वो श्याम के बाएं ओर, श्याम अगर इधर है तो ये नॉर्थ की तरफ फेस हुआ हुआ है, तो बाएं हाथ इसका श्याम का किधर होगा, इस साइड होगा, तभी ये राम इस साइड में है, ठीक है। उसके बाद से 12 नंबर पे ये है श्याम, दाएं से 20वें स्थान पे है, मतलब राइट हैंड से ये 20 नंबर पे है, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। यदि कुछ समय पश्चात दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, मतलब दोनों एक्सचेंज कर लें अपनी पोजीशन, तो यहाँ क्या आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे राम और यहाँ हो जाएगा आपका श्याम, ये लाइन खींच दो, ठीक। अब पोजीशन चेंज हो गया है, यहाँ श्याम आ गया, यहाँ राम आ गया। अब जब पोजीशन चेंज हुआ तो बोला राम का बाएं से नया स्थान 50 हो जाता है, क्या हो जाता है, 50 हो जाता है, मतलब यहाँ से लेफ्ट हैंड से जब हम गिनेंगे राम को तो अब ये राम जो है 50 पे आ जाएंगे, ठीक। और यही पोजीशन तो श्याम की थी कि इधर से राइट साइड से, तो राम का बाएं से इसी का जो है पोजीशन इसने लिया है, इसी पोजीशन पे आया है, तो राम का जो है लेफ्ट से, राम का लेफ्ट से कौन सा स्थान है, 50वां है, और राम का ही अगर हम राइट से देखें, क्योंकि ये किसका जगह लिया है, श्याम का जगह लिया है, और श्याम का हमें राइट से पता है, तो अब जब उसकी जगह पे आ जाएगा राम
तो हमें राम का भी राइट से पता हो जाएगा, तो राम का राइट से कितना हो जाएगा, राम का राइट से 20 नंबर पे है। तो हमें एक व्यक्ति का लेफ्ट और राइट पता चल गया, तो हम जो पहला टाइप से क्वेश्चन शुरू किए हैं उससे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, कुल विद्यार्थी मतलब टोटल आपसे पूछा है, तो टोटल हम आराम से निकाल लेंगे क्योंकि हमें एक ही व्यक्ति का लेफ्ट और राइट दोनों पता है। तो क्या करोगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक, तो 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 70 माइनस एक कितना हो जाएगा, 69। तो टोटल कितने लोग होंगे इसमें, 69 होंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो रैंकिंग में बनते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन वाइज समझा दिया सभी के कॉन्सेप्ट कि इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं, और क्योंकि ये आपके इतने टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आपके जो भी आप किताब लगाते हो उसमें 10 से ज़्यादा टाइप आपको नहीं मिलेगा। बाकी जो और मिसलेनियस जो क्वेश्चन होते हैं, मिक्स करके कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, उसको मैं करा दूंगा, क्वेश्चन सेशन लेके आऊँगा अब अगले सेशन में। तो आप अगले सेशन बढ़ने से पहले आज के लिए जैकपॉट क्वेश्चन आपका ये है कि आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में सभी को कि इसका आंसर क्या होगा। आज ही के लेक्चर पे ये बेस्ड है, पूरे कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। बोला एक पंक्ति में ए बाएं से 20वें स्थान पर है, बी दाएं से 30वें स्थान पर है, दोनों के बीच 18 व्यक्ति बैठे हैं, तो न्यूनतम निकालना है। तो न्यूनतम के लिए मैंने बताया था आपको, एक बार चेक कर लेना कि क्या ये न्यूनतम की क्राइटेरिया को फॉलो करता है कि नहीं करता है, उसके बाद से मैंने जो फॉर्मूला बताया उस पर लगा के आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक, तो सभी को इसको आंसर कमेंट करना है। ठीक, मिलते हैं अगले सेशन में, जो मैं क्वेश्चन सेशन लेके आऊँगा रैंकिंग का। ठीक, तब तक के लिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।